नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज बात करेंगे 360 वीआर की। ये एक अलग एक्सपीरियंस आपको देने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आप मुझे चारों तरफ से देख सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपके समक्ष खड़ा हूँ, लेकिन मेरे सामने यानी आपके पीछे क्या हो रहा है, आपके दाहिने क्या हो रहा है, आपके बाएँ क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और ये चीज़ अगर आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो लेफ़्ट माउस से आप पूरे फ्रेम को आप मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे मोबाइल फ़ोन पर, जो कि मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ मुझे जैसे जैसे मैं मूव करूंगा, आपको सिर्फ मोबाइल को या फ़ोन को आपको घुमाते जाना है, आप मुझे हर तरफ देख पाएंगे। देखिए, मैं अभी मूव कर रहा हूँ, पीछे जो हम इस साइड में आ रहे हैं, इधर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमारा चेहरा थोड़ा सा ब्लैक या डार्क मिलेगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि 360 डिग्री का एक्सपीरियंस क्या होता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अभिप्राय है आपको बताने का। देखिए, हर लोग चाहते हैं कि कुछ नया एक्सपीरियंस मिले फिल्म देखते समय, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, एड फिल्म हो, कमर्शियल्स हो, फीचर फिल्म हो। आप चाहते हैं कि क्या मैं जो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है वो भी मैं देख पाता तो कैसा रहता। मान के चलिए क्लोजअप में कुछ सीन शूट हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं नहीं, इसका मुझे वाइड एंगल देख ले जाता तो कितना अच्छा रहता। आपको ये लगता होगा कि आपको आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ दिखाई देता तो क्या अच्छा रहता। आपको नीचे ज़मीन पड़ा हुआ कोई आदमी है जिसकी लाश है, या कोई आदमी घायल अवस्था में है, उसकी तरफ आपको देखना है तो क्या होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप 2D पर देखते हैं तो वही चीज़ देखते हैं जो कैमरामैन दिखा रहा होता है, लेकिन इस तरह के 360 डिग्री VR पर आप वो सभी चीज़ देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। सोचिए, जब इस तरह की फीचर फिल्में आ जाएगी जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट कोण से, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीफिकेशन से हर तरफ का सीन देख पाएंगे तो कितना अच्छा होगा। यानी कैमरा एक तरफ है, चारों तरफ हमारी फिल्में चल रही है, जैसे मैं आपके सामने घूम रहा हूँ, इस तरह से मूव कर रहा हूँ, तो सोचिए कि चारों तरफ लोग हैं, कोई ना कोई एक्टर काम कर रहा है, तो उस समय आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि आप अगर इस तरह का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसको सीखिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है 360 का ही है, और इस पर डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग बिल्कुल अलग होगा। उस तरह के CU LS या MS करके नहीं होगा, एंगल बता करके नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉकिंग पर पूरा काम होगा। और हम यहाँ पर बीच बीच में हम अलग अलग एक्सपीरियंस दे रहे हैं 360 का, जो मैंने यहाँ पर शूट किया है, तो आपको ये लगेगा कि इस तरह का अगर आपको देखने को मिले। जैसे मैं बाइक पर जा रहा हूँ, तो देखिए बाइक पर जा रहे हैं तो ऊपर आपको एक्सपीरियंस होगा कि जैसे कोई ड्रोन हमको शूट करता हुआ जा रहा है, या हमारे जो पहिए हैं कि जो व्हील हैं उसके क्लोजअप दिखाए जा रहे हैं, उसके चारों तरफ की चीज़ें दिख रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट ज़रूर मिलेंगे अगर आप इस तरह का 360 वीडियो अगर आप शूट करेंगे। मुझे इस वीडियो में सिर्फ ये बताना था कि इसका एक्सपीरियंस क्या है। किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसे कैसे शूट करते हैं, कैसे इसे अपलोड करते हैं। वैसे मेरे DFM के स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा ट्यूटोरियल आ रहा है, बहुत जल्दी वो उसको अपलोड किया जाएगा, जिसमें आप 360 कैमरे से शूट करना, उसे एडिट करना, उसमें तरह तरह के ग्राफिक्स का यूज़ करना, तरह तरह के टेक्स्ट यूज़ करना, और साथ ही उसको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट माध्यमों में, मीडिया पर आप अपलोड करेंगे ताकि 360 VR का आपको पूरा का पूरा लाभ मिले। ये कंप्लीट एक सीरीज़ मैं दे रहा हूँ DFM के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपके लिए भी कभी आगे ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं दिया जा सकता है अपने चैनल पर, तो इसके लिए मैं शॉर्ट वर्जन में हम ज़रूर बना करके बताएंगे आपको। एक चीज़ जान लीजिए, 360 वीडियो को शूट करना आसान है, बहुत सारे कैमरे आ गए हैं, लेकिन उसको एडिट करना, उसमें VFX का काम करना, उसमें टेक्स्ट लगाना, उसमें ग्राफिक्स का यूज़ करना, और सबसे ज़्यादा कठिन होता है उसको अपलोड करना। तो इन चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप औरों से अलग होंगे और आपको इसका बेहतरीन पैसे मिलेंगे। आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पर एड फिल्म, कमर्शियल जिसको कहते हैं, TVCs होते हैं, तो TVC तो ये नहीं, लेकिन VR TVCs आ रहे हैं, तो इसके लिए अलग लोग होते हैं, और अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं सिर्फ फ्यूचर बता रहा हूँ कि इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, और आप अगर चाहते हैं तो चाहे कोई भी इवेंट हो,
चाहे मैरिज का इवेंट हो, वेडिंग जिसको कहते हैं, वेडिंग का इवेंट बहुत अच्छा हो रहा है तो उसमें भी 360 का अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह का गेम्स स्पोर्ट्स का इवेंट हो, और सबसे ज़्यादा कि इस पर अगर आप कोई फीचर फिल्म सोच सकते हैं तो डेफिनेटली ये अलग होगा, अभी तक नहीं आया है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है, तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303030270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।